दुर्ग के कैलाश नगर में हुई चोरी। इस बार अज्ञात चोरों ने जनरल किराना स्टोर को निशाना बनाते हुए स्टोर से नकदी और सामान ले हुए फरार। मोहनगर थाना क्षेत्र दुर्ग के कैलाश नगर में शर्मा किराना जनरल स्टोर में चोरी की घटना हुई, जिसमें अज्ञात चोरों ने किराना दुकान में रखे लगभग 40,000 रुपए नकद और सिगरेट पर अपना हाथ साफ कर लिया और साथ ही फरार भी हो गए। वही चोरी की घटना की शिकायत के बाद मोहनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। इस मामले में मोहनगर पुलिस ने बताया कि शर्मा दुकान ने शिकायत की है कि देर रात दुकान बंद कर चला गया था, जिसके बाद अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है। वही दुकानदार ने चोरी हुए मामले में जानकारी दी। रात में भी आपका 3:45 बजे मेरे को मेरा भतीजा आके उठाया कि हुआ उठो करके दुकान में चोरी हुआ है, और जस्ट उसको भी नहीं पता था, वो सो के वॉशरूम के लिए उठा था तो दरवाजा उसका घर से बाहर से बंद था। दरवाजा उसने मम्मी को फोन लगाया कि मम्मी दरवाजा बाहर से बंद है, आप आके खोलो। और जस्ट वो मेरी भाभी है बड़ी जो आए वो देखने के लिए, तो दुकान का दरवाजा खुला था, घर का सामने का दरवाजा खुला था और वो बच्चे के रूम का दरवाजा वो खोली और फिर मेरे को आके उन लोग उठाए। तो हम लोग पूरा आके देखे, पूरा दुकान में जितना पैसा कैश था पूरा मेरा आपका 40,000 जितना कैश था, 40,000 पूरा चिल्लर नोट जितने थे सब वो पूरे उठा के ले गए। और मेरे भतीजे के उठने के कारण जो कुछ पैसा था कि जो छूट गया है 400-500, बाकी पूरे कैश वो लेके सब चल दिए। मैंने पुलिस को कॉल की 112 में, पुलिस 112 15 से 20 मिनट के बाद आई। उन्होंने आया, पूरा दुकान को देखा, फोटो खींचे, आसपास पूरा सर्च किए वो, और उन्होंने बोला जाके थाना में कंप्लेन देने के लिए कि एक आवेदन दे दीजिए कि आपका आगे कार्रवाई की जाए करके। ग्रैनी सीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।